Hello friends, today I am going to explain the Tarnetar Fair. जो fair का नाम सुनते ही हमको बहुत ही हमारे मन के अंदर खुशी छा जाती है। Yes, देखो अब तो समय ऐसा है कि हम fair का enjoy नहीं कर सकते अभी तो, लेकिन आपके लिए मैं एक पिक्चर फेयर का रखा हूं, उसे देखो आप। यस, देखो ये फेयर के अंदर मैरी गो राउंड है। यस, आप देख सकते हो बहुत सारी पब्लिक है और ये सब जो है वो फेयर का एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक फेयर जो हमारे गुजरात के अंदर हर साल होता है, जिसका नाम है द तरणेतर फेयर। तो वो तरणेतर जो फेयर है उसके बारे में ये लेसन दिया गया है, जिसका मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक एक लाइन एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए कि बेस्ड ऑन द लीजेंड ऑफ द्रौपदी स्वयंवर, this fair is a celebration of ethnic Gujarat's folk dance, music, costumes and the arts, centered around young tribal men and women seeking marriage partners. तो सबसे पहले ये लेसन के अंदर, ये लाइन के अंदर जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उसको हम समझते हैं कि यहां पहला है वो लीजेंड। लीजेंड का मतलब है एन ओल्ड स्टोरी, नॉट ऑलवेज ट्रू, यस इट मे बी रॉन्ग। लीजेंड जो है उसे हम दंत कथा कहते हैं, यस अबाउट अ पर्सन और अ इवेंट। दूसरा जो वर्ड्स है वो एथनिक, ऑफ अ नेशनल और रेशियल ग्रुप ऑफ पीपल, रेशियल ग्रुप ऑफ पीपल, लोक समूह। और फिर फोक डांस, डांस ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, जिसे हम लोक नृत्य कहते हैं। फिर कॉस्ट्यूम्स, द सेट ऑफ क्लोथ्स टिपिकल फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, जिसे हम कॉस्ट्यूम्स कहते हैं। और आगे का वर्ड से ट्राइबल, बिलोंगिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफन ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। तो यहां हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं कि बेस्ड ऑन द लीजेंड ऑफ द्रौपदी स्वयंवर। अब द्रौपदी जो है उनके स्वयंवर की जो कहानी आपको मालूम होगी, अभी अभी लॉकडाउन में आपने महाभारत देखा होगा, वो महाभारत में जो ये द्रौपदी स्वयंवर की कहानी आपने देखी होगी टीवी के ऊपर, के जिसके अंदर जो द्रौपदी का स्वयंवर होता है उसके अंदर जो अर्जुन है, वो अर्जुन वो स्वयंवर में आता है और वो मत्स्य वेद करता है। कैसे? जो फिश है वो फिश को वो पानी के अंदर जो उनका प्रतिबिंब होता है, तो उनकी प्रतिबिंब को वो नीचे पानी में देखता है, उसकी आंख को देखता है और उस आंख का टारगेट लगा के जो उनके ऊपर है थंबे पर उसको निशाना लगाता है और वो निशाना लगाने में वो सक्सेस होता है। और फिर वो द्रौपदी के साथ वो शादी करता है। ऐसा देखो मैंने आपके लिए पिक्चर रखा है, ये द्रौपदी स्वयंवर का। यस, ये जो है वो आप देख सकते हो कि जो फीस से उसको नीचे देखने का जो प्रतिबिंब है वो ऊपर लगाई हुई है थंबे पर, और यहाँ उसको देख के ऊपर निशाना लगाना। तो ये द्रौपदी स्वयंवर की बात है। तो देखते हैं हम कि यहाँ पर द्रौपदी के स्वयंवर की कथा, कहानी जिसे कहते हैं ना हम, कहानी पे आधारित ये फेयर
गुजरात के लोगों का जो फोक डांस म्यूजिक जिसे हम लोक नृत्य कहते हैं, उसके जो कॉस्ट्यूम्स कॉस्ट्यूम्स के उनके जो पहरवेश भातीगड़ पहरवेश जिसे हम कहते हैं, और कला, ये सब चीजें वहां के आदिवासी युवान और युवतियां जो अपने मैरिज पार्टनर्स की खोज में होती है, उसके आसपास का ये पूरा जो सेलिब्रेशन ये मेला है। बट इवन फॉर दोज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ स्पाउस, द रोमांस एंड एक्साइटमेंट इन द एयर इज कैप्टिवेटिंग एंड एवरी ईयर द फर्स्ट सीम्स द फेयर सीम्स ओनली टू ग्रो इन पॉपुलैरिटी, अट्रैक्टिंग विजिटर्स एंड टूरिस्ट फ्रॉम गुजरात एल्सवेयर इन इंडिया एंड इवन अब्रॉड। तो यहां वर्ड्स है स्पाउस, स्पाउस मीन्स हस्बैंड और वाइफ ऑफ अ पर्सन। यस, फिर कैप्टिवेटिंग मीन्स की होल्डिंग, ड्रॉइंग स्पेशियल अटेंशन, हमारा जिस जो ध्यान केंद्रित करती है ऐसी चीजें। तो यहां पर है कि लेकिन, बट इवन फॉर दोस, लेकिन जो अपने स्पाउस हस्बैंड और वाइफ की खोज में इंटरेस्टेड नहीं है, उनके लिए भी ये मेले का जो रोमांस है और एक्साइटमेंट है वो उनको अपनी ओर खींचता है। और हर साल, एवरी ईयर, हर साल ये मेले की जो पॉपुलैरिटी है, जो प्रसिद्धि है, वो बढ़ती ही जाती है। ये मेला वो है जो सिर्फ गुजरात ही नहीं लेकिन पूरे भारत और विश्व के प्रवासियों को आकर्षित करता है। कहो कि ये मेले की जो प्रसिद्धि है, उनका जो आकर्षण है, वो पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचता जाता है और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। अब ये जो मेला है, ये जो लेसन है वो अलग अलग पार्ट में दिया है। तो सेकंड पार्ट में क्या है, हियर द मैनी कलर्ड कॉस्ट्यूम्स ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट्स एंड फ्री स्पिरिटेड मूवमेंट्स ऑफ फोक डांसेस एज ऑल कंबाइंड टू क्रिएट अ मेमोरेबल सीन। तो ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग का मतलब क्या है, एक्साइटिंग और एडमायर्ड बाय मैनी पीपल। तो यहां पर रंग बेरंगी कलर के कॉस्ट्यूम्स जिसे हम भातीगड़ पहरवेश कहते हैं, यस, तो कॉस्ट्यूम चमकते हुए गहने और लोक नृत्य की फ्री मुक्त निडर जोश भरी उत्साही मोमेंट्स की झलक, ये सब चीजें मिलके एक यादगार दृश्य, मेमोरेबल सीन जिसे कहा यहां पर, कभी न भूलने वाला दृश्य हमारी आंखों के आगे खड़ा करता है। एज द डांसर सर्ज इन वेव्स ऑफ सर्क्यूलर मूवमेंट्स द इंसेंस थ्रॉबिंग ऑफ द ड्रम्स कीप देम मूविंग इन यूनिशन एंड द ड्रम बीट्स कंटिन्यू थ्रू आउट द डे इवन एज द डांसर चेंज फ्रॉम वन ग्रुप टू द नेक्स्ट। इंसेंसेंट मीन्स के कॉन्स्टेंट कंटिन्यू सतत, थ्रोबिंग थ्रोबिंग मीन्स बिटिंग, यस, ढोल की आवाज, ढोल को बजाना, बिटिंग। तो यहां एज द डांसर जो कलाकार हैं
वो कलाकार गोल गोल उछलते हैं, खेलते हैं और सतत कंटिन्यू बजता हुआ जो ढोल है वो उनको एक राग में रखता है और पूरे दिन भर ढोल बजता रहता है और जो डांसर्स हैं वो ग्रुप के अंदर वन ग्रुप टू द नेक्स्ट ग्रुप एक ग्रुप में से दूसरे ग्रुप में बदलते रहते हैं। अब आगे मेनी काइंड्स ऑफ फोक डांसर्स आर परफॉर्म्ड बाय फॉर द मोस्ट पॉपुलर इज द राश इन विच डांसर होल्ड स्टिक्स टू क्लैक अगेंस्ट दोज ऑफ अदर डांसर्स। क्लैक क्लैक मीन्स की इस सॉर्ट शार्प नॉइज मेड बाय टू हार्ड ऑब्जेक्ट्स बीइंग हिट टुगेदर जो हम डांडिया कहते हैं, डांडिया रास खेलते हैं अब जिसमें से आवाज आती है वो डांडिया रास की बात है। तो बहुत सारे प्रकार के लोक नृत्य यहां पर प्रदर्शित किए जाते हैं। इस सब में जो ज्यादा पॉपुलर प्रसिद्ध हो तो वो रास है जिसमें एक कलाकार जो है वो दूसरे कलाकार के हाथ में स्टिक से यानी कि डांडिया यस डांडिया क्लैक करता है मारता है यस एज मैनी एज वन टू टू 200 women perform rasdas in a single circle to the beats of four drums at a time and tunes of chodia pavas. Chodia pavas means here in the bracket given double flutes. You may also see people break out into a spontaneous hoodoo. Spontaneous means ke happening or done in a natural often suddenly without any planning or without being forced. Spontaneous means ke dil mein se ek utsah josh hota hai jisse kehte hain hum spontaneous. To ek saath 100 se 200 striyan ek hi circle mein rasda khelti hai rasda ras yes aap mein dekha hoga wo rasda bhi जिसमें एक साथ चार ड्रम कितने ड्रम चार ड्रम और जोड़िया पावास पावास जिसे हम डबल फ्लूट्स कहते हैं जिसे बांसुरी भी कहते हैं ना हम वो बजती है और मजेदार तरीके से बजती है। अब पार्ट थ्री रबारी वुमेन ऑफ Nearby Jalawada performed the famous circular folk dance Rahado. Rabari woman, जो है वो Jalawada, जो ये प्रदेश है जहां पर ये फेयर होता है जो पांचाल उसके नजदीक का जो एरिया है जिसे हम Jalawada कहते हैं वो परफॉर्म करती है वो वुमन क्या परफॉर्म करती है सर्क्यूलर फॉक डांस जिसका नाम है Rahado. Their marital status is indicated by their costumes. A black zemi skirt means is married. So marital means ki related to marriage. So unka jo costumes hai wo costume tay karta hai ki ye jo girls hai wo married hai ya unmarried hai. To agar jo black zemi means ki skirt pehni hui jo girl hai jo woman hai तो समझ लेने का कि सी इज मैरिड बट इफ अ वुमन इज वियरिंग अ रेड जिमी इट मीन्स ही हैज नॉट येट टाइड द नॉट प्रोबेबली सीकिंग अ हस्बैंड लेकिन जो वुमन ने रेड जिमी पहनी है रेड स्कर्ट में जो वुमन है तो समझ लेने का कि उसने अभी तक टाइड द नॉट बंधन में वो बंदी नहीं है मीन्स की सी इज नॉट मैरिड अनमैरिड प्रोबेबली
खास करके वो फाइंडिंग सिकिंग क्या कर रही है, हस्बैंड को फाइंड कर रही है। द पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स की व्हाट इज द मीन्स ऑफ पोटेंशियल, प्रोस्पेक्टिव पॉसिबल। द पोटेंशियल हस्बैंड सिकिंग ब्राइड्स आर एलिगेंटली, एलिगेंटली मीन्स की ग्रेसफुली एट्रैक्टिवली ड्रेस इन कलरफुल धोतीस, आर्टिस्टिकली डिजाइन वेस्ट कोस्ट एंड हेड क्लोथ्स ट्विस्टेड एट एन एंगल, मूविंग अबाउट द फेयर ग्राउंड एट टर्नेटर फेयर विथ स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग मीन्स की अट्रैक्टिव अम्ब्रेलास, एडवर्टाइजिंग द बैचलरहुड, बैचलरहुड मीन्स की स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड, की वो अनमेरिड है। दे आर कीन टू रेलिंक्विश मीन्स की गिव अप, लिव मीन्स की। द पोटेंशियल हस्बैंड जो है वो सिकिंग ब्राइड्स, वो ब्राइड्स की खोज में है। एलिगेंटली ड्रेस इन कलरफुल धोतीस, और उनका जो ड्रेस है वो बहुत ही मजेदार, बहुत ही सुंदर ड्रेस होता है, कलरफुल धोतीस होती है, और जो उनका वेस्ट कोट होता है ऊपर का जो कोट पहनते हैं वो भी आर्टिस्टिकली कलात्मक तरीके से डिजाइन किया होता है। एंड हेड क्लोथ ट्विस्टेड एट एन एंगल, पगड़ी पहनी होती है जो एंगल शेप में होती है, और वो मूविंग अबाउट द फेयर ग्राउंड एट तरनेतर, और पूरे तरनेतर फेयर में घूमते हैं किसके साथ, विथ स्ट्राइकिंग अम्ब्रेलास, डेकोरेटेड अम्ब्रेलास, बहुत ही सुंदर अम्ब्रेलास के साथ, एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइज करते हैं किसकी, एडवर्टाइजिंग करते हैं द बैचलरहुड दे आर कीन टू रेलिंक्विश, कि हम बैचलर हैं, यस वी आर फाइंडिंग द वाइफ, यस अपने बैचलरहुड की वो एडवर्टाइज करते हैं। इतनी सुंदर ये अपनी अम्ब्रेला को जो सजाते हो, मैं पिक्चर आपके सामने ये रखता हूं तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो कैसा होता है। देखो ये अम्ब्रेला है, आपको लगता है कितनी सुंदर तरीके से सजाई हुई ये अम्ब्रेला, यस। और नीचे जो हमने बोला धोती, तो धोती भी अच्छी है, ऊपर का वेस्ट कोट उनको भी बहुत ही अच्छी तरह से कलात्मक तरीके से बनाया हुआ है, और ऊपर की पगड़ी जो है वो पगड़ी भी कितनी सुंदर है। ऐसा नहीं, ऐसा मैं दूसरा पिक्चर भी आपके सामने रखता हूं, देखो, यस देखो इसमें बहुत ही कलात्मक तरीके से वेस्ट कोट जो है ना, इसे वेस्ट कोट कहते हैं, ऊपर पहना हुआ है वो, और ये पगड़ी जो जो यहाँ पर कहा ने कि जो बहुत ही अच्छी तरह से बनाई हुई पगड़ी, और ये जो अम्ब्रेला कलात्मक अच्छी जो अम्ब्रेला है, तो एक ऐसा सीन हमारे सामने खड़ा होता है, एंड दिस मैन इज फाइंडिंग वाइफ, यस नाउ अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये भी सीन आपके सामने है, लेसन के अंदर दिया गया है, वो भी आप देख सकते हो, और ये पूरा फेयर का सीन है, बहुत ही बढ़िया सीन। न्यूमरस, अब नंबर 4 में क्या है, न्यूमरस साधुस एंड भजन मंडलीस, भजन मंडलीस मीन्स की रिलीजियस म्यूजिक ग्रुप आर इंग्रोस्ड इन सिंगिंग कंटिन्यूअसली अकम्पनिंग बाय फोक इंस्ट्रूमेंट, न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब है मैनी, बहुत सारे, और इंग्रोस्ड, इंग्रोस्ड मीन्स एब्सॉर्ब, गिविंग ऑल अटेंशन, तो बहुत सारे साधु और उनकी जो मंडलियां हैं, साधु की मंडलियां, रिलीजियस म्यूजिक ग्रुप्स, वो सब एक साथ गाते हैं कंटिन्यूसली, सतत उनके भजन मंडली चलती ही रहती है, और उनके साथ साथ जो फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो तबला है, यस जोड़िया पावास हैं, और जो जिसे हम ढोल नगारे बाजा कहते हैं, वो सब उनके साथ बजता रहता है। अब 5 नंबर में, द तरनेतर मेला कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द तरनेतर विलेज विद अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टॉल्स पुट अप टू सेल ब्यूटीफुल लोकल हैंडीक्राफ्ट्स अनअवेलेबल एल्सवेयर, अलोंग विथ एथनिक ज्वेलरीज, स्टेचूज ऑफ डेटीज एंड ट्रेडिशनल अटायर विथ टाइनी मिरर्स एम्ब्रॉयडर्ड इन टू द क्लोथिंग,
There are also merry-go-round rides, photographs, stalls, magic shows, and tattoo artists who attract large variety of visitors. Yes. तो तरणेतर मेला जो है वो covers क्या cover करता है? बहुत बड़ा part तरणेतर village का with a क्या होता है उस पर huge number of stalls put up to sell. बहुत सारे stalls वहां पर होते हैं जो stalls जो हैं वो beautiful local handicraft बेचते हैं कि जो हैंडीक्राफ्ट दूसरी कोई भी जगह पर अवेलेबल नहीं है अलोंग विथ एथनिक ज्वेलरी उनके साथ साथ जो वहां की जो लोकल ज्वेलरी है वो स्टैच्यूज ऑफ डेटीज मीन्स के गॉड्स एंड गॉडेसेस देव देवी कहते हैं ना उनकी जो मूर्तियां एंड ट्रेडिशनल अटायर वहां का जो ट्रेडिशनल परंपरागत जो पहरवे से अटायर ड्रेस और उनके अंदर क्या होता है टाइनी छोटे छोटे मिरर्स एम्ब्रॉयडरी किए होते हैं जिसे हम आभला कहते हैं आभला वर्क कहते हैं इनटू अ क्लोथिंग क्लोथ के अंदर वो बराबर एम्ब्रॉयडरी किए होते हैं. देर आर ऑल्सो मेरी गो राउंड राइड्स यस मेरी गो राउंड राइड्स भी होती है फोटोग्राफर्स के स्टॉल्स होते हैं मैजिक शो होते हैं एंड टैटूस यस आजकल आप देखते हो टैटूस की बहुत फैशन है आप अच्छी तरह से जानते हो टैटूस वो अट्रैक्ट अ लार्ज वैरायटी ऑफ विजिटर्स और ये सब सारी चीजें मिलके जो विजिटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करती है. अब आगे देखते हैं नंबर 6 द फेयर is held for 3 days every year during the Hindu calendar dates of Bhadrava Sud 4th, 5th and 6th means हम कहते हैं Bhadrava Sud 4th, 5th and 6th yes during the Gregorian calendar month कौन सा होता है August और September अभी अभी हमने देखा कि ये मेला जो है वो गया है यस 3 दिन का मेला हिंदू कैलेंडर्स के मुताबिक चौथ पांचम और छठ भाद्रवा शुद्ध के दिन होता है जो अभी अभी उनका समय गया लेकिन आपको मालूम है कि इस साल ये मेला जो है वो वहां पर नहीं हुआ था. 7th पार्ट में क्या है द तरणेतर फेयर इज हेल्ड 8 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन ऑफ थानगढ़ इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में जो थानगढ़ शहर है वहां से वो 8 किलोमीटर दूर उनको हेल्ड किया जाता है वो मेला वहां पर होता है. दिस इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑन द अहमदाबाद हप्पा ब्रॉडगेज लाइन और उसके नजदीक का जो रेलवे स्टेशन है और वो कौन सा है कौन सी लाइन है वहां से जाती हुई ब्रॉडगेज लाइन जो लाइन होती है वो आपको मालूम है एक मीटर ग्रेज नैरो ग्रेज और ब्रॉड गेज होती है उसमें अहमदाबाद से हप्पा जाती हुई जो लाइन है उस पर ये आया हुआ है रेलवे स्टेशन. द नियरेस्ट टाउन विथ रोड ट्रांसपोर्ट टू अदर प्लेसेस इज चोटिला जो नजदीक का बिल्कुल नजदीक का द नियरेस्ट यूज किया है सुपरलेटिव डिग्री टाउन जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट का तो वो कौन सा है चोटिला यस वो आपने देखा होगा और वो कितना है 25 किलोमीटर फ्रॉम थानगढ़ थानगंज से इतना 25 किलोमीटर दूर है विच इज कनेक्टेड बाय एसटी बस फ्रॉम राजकोट की जो राजकोट से एसटी बस के साथ जुड़ा हुआ है स्टेट ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है जो चोटिला आप राजकोट हाईवे जाते हो अहमदाबाद से राजकोट हाईवे पर जो चोटिला शहर आता है वहां पर डूंगर के ऊपर जो चामुंडा माता का मंदिर है वो आपने देखा होगा. फिर आगे क्या कहते हैं विच इज कनेक्टेड बाय एसटी बस फ्रॉम राजकोट 75 किलोमीटर राजकोट का और उसका जो डिस्टेंस है कितना है 75 किलोमीटर का जामनगर जो है वहां से कितना दूर है 165 किलोमीटर और अहमदाबाद जो है वो 196 किलोमीटर और पोरबंदर जो है वो 252 किलोमीटर दूर है. तो
तो मीन्स के ये जो प्लेसेस बताए वहां से आपको अगर जाना है तो ये फेयर के अंदर, तो ये फेयर इतना इतने किलोमीटर दूर है। फ्रॉम भावनगर चोटीला कैन बी रीच आइदर वाया राजकोट, अ ट्रिप ऑफ 260 किलोमीटर, और वाया बोटाद इज शॉर्टर जर्नी ऑफ 190 किलोमीटर। फ्रॉम भावनगर, अगर जो भावनगर से आपको चोटीला जाना हो, बराबर ये फेयर में जाना हो, तो चोटीला कैन बी रीच, आप चोटीला पहुंच सकते हैं। कहां से? वाया राजकोट होके। तो वाया राजकोट होके अब जाओगे, आप राजकोट होके अगर जाओगे तो आपको 264 किलोमीटर दूर पड़ेगा। और अगर वाया बोटाद होके जाओगे तो ये आपकी जर्नी शॉर्ट हो जाएगी। वो कितना किलोमीटर होगा? 190 किलोमीटर। चोटीला, थानगढ़ एंड तरणेतर वेल कनेक्टेड बाय एसटी बसेस एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यस, जो चोटीला है और थानगढ़ है और तरणेतर है, वो एक दूसरे के साथ एसटी बस से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। और अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हैं। अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है फ्रेंड्स? वहां पर आप जानते हो छकड़ा। यस, वो बहुत सारे चलते हैं, उसमें बैठ के चले जाने का चोटीला से ये फेयर के अंदर। एंड द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज राजकोट, 75 किलोमीटर अवे। और सबसे नजदीक का अगर यहाँ का जो एयरपोर्ट हो तो वो एयरपोर्ट है वो राजकोट है, और राजकोट वहां से कितना दूर है? 75 किलोमीटर दूर है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। अब पार्ट 8, द कोलिस ऑफ सौराष्ट्र इनिशिएटेड द कस्टम ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग अम्ब्रेलास विच आर एक्सक्विजाइटली इलाबोरेट इन टर्म्स ऑफ एम्बेलिशमेंट्स। द कोलिस ऑफ सौराष्ट्र, जो सौराष्ट्र है वो सौराष्ट्र के रहने वाले वहां के जो लोग हैं, जो कोलिस जाति के हैं, उन्होंने इनिशिएटेड, इनिशिएटेड मीन्स की स्टार्ट, यस मीन्स शुरुआत की, कस्टम, कौन से कस्टम की, कौन सी रिवाज की, ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग अम्ब्रेलास, अम्ब्रेलास को एम्ब्रॉयडरी करने की शुरुआत उन्होंने की है। विचार कि जो एक्सक्विजिटली, एक्सक्विजिटली मीन्स की ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर तरीके से, डेलिकेटली इलाबोरेट, इलाबोरेट करते हैं मीन्स की बहुत ही, कंटेनिंग अ लॉट ऑफ केयरफुल डिटेल, बहुत ही झीणवट से, जिसे कहते हैं ना हम, बहुत ही केयर लेके प्रिपेयर करते हैं। इन टर्म्स ऑफ एम्बेलिशमेंट्स, एम्बेलिशमेंट्स की मीन्स की वो डेकोरेशन करते हैं, उसको सुशोभित करते हैं, जो अम्ब्रेला है उनको बहुत ही केयर के साथ एम्ब्रॉयडरी करते हैं। द एम्ब्रॉयडरी ऑफ ईच इज यूनिक एंड राइजेस फ्रॉम द एजिस ऑल द वे टू द टॉप, विच बेड वर्क एंड पैच वर्क इन द डिजाइन एज वेल। द एम्ब्रॉयडरी ऑफ ईच, हर एक का एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो जो यूनिक होता है, अनन्य होता है, समथिंग डिफरेंस होता है। एंड राइजिंग फ्रॉम द एज, एजिस मीन्स की, एंड ऑल द वे टू द टॉप, बराबर, एजिस मीन्स की जो नीचे की भाग से लेके यहाँ कर ऊपर तक का जो पार्ट है वो सब बहुत ही अच्छी तरह से सजाया हुआ होता है। विथ बेड वर्क, किससे? बेड वर्क से, पैच वर्क से, यस इट इज अ वन टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग वर्क, बेड वर्क जो आबला भरते हैं, पैच वर्क करते हैं। इन द डिजाइन एज वेल, बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किया जाता है। स्मॉल कलरफुल हैंडकरचीफ्स आर अटैच्ड ऑल राउंड अराउंड द एज, यस, और पूरी जो अम्ब्रेला होती है उनके आसपास जो है वो हैंडकरचीफ, वो भी कलरफुल जो है वो अटैच किया होता है, टू अट्रैक्ट फर्दर अटेंशन। क्यों? कि वो जो है वो लोगों का ध्यान उनकी ओर लाने के लिए। यस, वो जो मैंने अम्ब्रेला आपको आगे दिखाई थी, और ये अम्ब्रेला जो है देखो आप यहाँ पर है ना, कि जिसमें
हैंडकर्चिफ लगाए हुए, ये जो है वो बेड वर्क और पैच वर्क जिसे कहते हैं, जो यहां से पकड़ी हुई है वहां से लेके पूरी ऊपर तक देखो अम्ब्रेला, और उनके ऊपर क्या है, पीकॉक, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई हुई अम्ब्रेला है। यस, आगे देखते हैं अब। दिस मैन स्पेंड ओवर ईयर एम्ब्रॉयडरिंग देयर अम्ब्रेलास। ये जो अम्ब्रेला आपने देखी उनको सजाने में जो लोग हैं, मैन जो है वो पूरा साल बिता देते हैं। देयर इंटेंशन इज टू इंटाइस द गर्ल विद देयर आर्ट क्लोथ्स एंड हेड गियर एंड इम्प्रेस देम सो दैट दे कैन प्रपोज देम फॉर मैरिज। देयर इंटेंशन, उनका इरादा क्या होता है, इज टू इंटाइस, इंटाइस मीन्स के परस्यूट द गर्ल विद देयर आर्ट, जो गर्ल से बराबर उनको परस्यू कराने के लिए, इंटरेस्ट करना के कराने के लिए विथ देयर आर्ट, अपनी आर्ट जो है, अपनी कला है, अपने जो क्लोथ है, अपने ऊपर की जो पगड़ी है, वो सब इम्प्रेस करती है, सो दैट दे कैन प्रपोज देम फॉर मैरिज, और इसलिए वो जो गर्ल्स है वो गर्ल्स को मैरिज के लिए प्रपोज कर सके। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट, ये सरप्राइजिंग बात नहीं है कि बिफोर द फेयर इज ओवर, जो फेयर जो है वो ओवर होए उससे पहले दे यूजुअली मीट द लेडी ऑफ देयर चॉइस, वो जो अपनी पसंद की जो लेडी है उनको मिलते हैं। यस, तो यहां मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपके सामने एक एक लाइन का ट्रांसलेशन जो है और मेले का जो सीन है वो आपके सामने रख दिया है। अब आपको ये मेरा जो वीडियो है बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो उसे लाइक करना, उसे शेयर करना, और चाहो तो मेरी जो चैनल है धीरज वालन लिखोगे तो मेरी चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।